गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कुछ स्मॉल स्मॉल रूल्स टू ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस, जहां पर आपको लगता है कि आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो पहला रूल है हमारा, अगर आपके सेंटेंस में वर्ब के साथ पाएगा, पाएगी, पाएंगे या सकेगा, सकेगी, सकेंगे जैसे शब्द दिखाई दे तो आपको उसे कैसे ट्रांसलेट करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे विल बी एबल टू का। पाएगा, पाएगी, पाएगी का मतलब है विल बी एबल टू। ठीक है, तो मान लीजिए एक सेंटेंस देखते हैं, मोनू इस काम को बिल्कुल नहीं कर पाएगा, यानी कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। हमने जो रूल लिखा है ये सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको पहले से पता है, अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो आपको पहले से पता है, मैंने बता रखा है, मैं हर बार बताता हूं कि किसी भी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपको उससे थर्ड प्लेस पे नॉट लगाना होता है। तो वही काम हम यहां पे करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। ठीक है, मोनू हमारा सब्जेक्ट हो गया, कर पाएगा ये हमारी वर्ब है और बाकी बचा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आइए सेंटेंस को रूल के हिसाब से देखते हैं। सब्जेक्ट लगाया हमने मोनू, उसके बाद हमें विल बी एबल टू लगाना है, तो मोनू विल नॉट बी एबल टू, क्योंकि थर्ड प्लेस पे नॉट रहेगा, विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल, मोनू इस काम को बिल्कुल नहीं कर पाएगा, मोनू विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम सोनिया को टेंस सिखा पाओगे या सिखा सकोगे। हम दोनों तरीके से कह सकते हैं, पाएगा, पाएगी, पाएगी भी लगा सकते हैं और सकेगा, सकेगी, सकेगी भी लगा सकते हैं। तो क्या तुम सोनिया को टेंस सिखा पाओगे या सकोगे। अब क्योंकि क्या आ गया तो हमारा सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव। जब भी हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया, सब्जेक्ट है हमारा तुम, विल यू बी एबल टू टीच, टीच हमारी वर्ब है सिखाना, टेंस इज टू सोनिया, क्या तुम सोनिया को टेंस सिखा सकोगे या सिखा पाओगे। ठीक है, अब मान लो उसका रिप्लाई आता है तो रिप्लाई हमेशा सिंपल सेंटेंस में आएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यस आई विल बी एबल टू टीच टेंसेस टू सोनिया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है जो कि हमने यहां पर सिंपल रूल लिखा था। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आप पाएगा, पाएगी, पाएंगे में सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव किसी भी तरह के सेंटेंस बना सकते हैं विल बी एबल टू को लगाकर, यूज करके। हमें ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले लेनी है और नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट तीसरे नंबर पर लगाना है। चलिए दूसरा रूल सीखते हैं, वर्ब प्लस पाया, पाई, पाए, पाता था, पाती थी, पाते थे। देखिए, कुछ कर पाना होता है हमारा एबल टू, हम कुछ कर पाने की बात कर रहे हैं। अब ये जो हमने यूज किया ये हमारा फ्यूचर फॉर्म था और ये जो हम यूज कर रहे हैं ये हमारा पास्ट फॉर्म है। तो पास्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, एबल टू के साथ वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कल राहुल से नहीं मिल पाया, यानी कि मैं कल राहुल से नहीं मिल सका या मिल पाया, तो मैं ये काम करने में असफल था, अयोग्य था। पाया, पाई, पाए हमारी एबिलिटी को दिखा रहा है। आई वॉज नॉट एबल टू मीट राहुल यस्टरडे, आई हमारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हम। उसके बाद वॉज वर आया आई वॉज, क्योंकि आई के साथ वॉज आता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है थर्ड प्लेस पे हमें नॉट भी लगाना है। आई वॉज नॉट एबल टू मीट राहुल यस्टरडे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक साल पहले इंग्लिश नहीं बोल पाता था। तो पाया, पाई, पाए और पाता था, पाती थी दोनों ही पास्ट को दिखाता है क्योंकि ये बीते हुए समय की बात हो रही है। तो आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश बिफोर वन ईयर, मतलब कि मैं एक साल पहले इंग्लिश नहीं बोल पाता था भाई, लेकिन अब बोल पाता हूं। तो आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश बिफोर वन ईयर, पास्ट की बात हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और हमारी इसकी सीरीज आ रही है कुछ ट्रांसलेशन की, ये हमारा पार्ट वन है, आप अगला पार्ट जरूर देखें ताकि आप और भी रूल सीख सकें। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें
और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।